सेंसेक्स और निफ्टी ने शुक्रवार को खुद को संभाल लिया। गुरुवार को जो सेंसेक्स 8% से ज्यादा गिरा था, उसमें शुक्रवार को बाजार बंद होते होते 4% से अधिक की बढ़त हुई। लेकिन कोरोना की मार शेयर बाजारों पर बुरी तरह पड़ चुकी है। अकेले गुरुवार को निवेशकों के 11 लाख करोड़ से अधिक रुपए सेंसेक्स में डूब गए थे। 19 फरवरी से 12 मार्च तक 32 लाख करोड़ रुपयों से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। दुनिया भर के शेयर बाजारों में कोरोना की अफरा तफरी देखी जा रही है। शेयर बाजारों के कोहराम के अलावा कोरोना से निपटने के लिए सरकार कई आर्थिक गतिविधियों पर लगाम लगाने को मजबूर हुई। इसमें सबसे बड़ा कदम 15 अप्रैल तक सभी रेगुलर वीजा को जारी करने से रोकना। इसका असर पर्यटन से लेकर होटल और दूसरे संबंधित इंडस्ट्री पर पड़ना तय है। कोरोना वायरस का जो इम्पैक्ट एविएशन इंडस्ट्री को है, वो एविएशन के इतिहास में सबसे अनप्रेसिडेंटेड है। ऐसा कभी आज तक हुआ नहीं है। आपने देखा कि फरवरी में हिंदुस्तान की एयरलाइंस का करीब 5% ट्रैफिक ड्रॉप हुआ है, जो मेरे हिसाब से मार्च में 20% के करीब होना चाहिए ड्रॉप, एयर ट्रैफिक ड्रॉप। और आगे आने वाले समय में अगर वो समय से उस चीज़ को कंट्रोल नहीं किया गया तो ये रेशियो मल्टीप्लाई करेगा। हो सकता है कि एक स्टेज आए कि आपके पास जहाज में पैसेंजर नहीं हो। अभी भी आप देख रहे हैं, कोरोना से बचने के लिए मुंबई, दिल्ली जैसी जगहों पर सिनेमा हॉल को बंद करने जैसे कदम उठाए गए हैं। कई दफ्तरों को भी अपनी आर्थिक गतिविधियां सीमित करनी पड़ी है। होटलों में सन्नाटा पसरने लगा है। कोरोना के खौफ के चलते राजधानी की तस्वीर बदल रही है। जहां हजारों लाखों लोगों का आना जाना होता था, अब राजधानी में सन्नाटे की नौबत आएगी। और ऐसा इसलिए क्योंकि शहर की सरकार ने लगभग वर्चुअल लॉकडाउन की स्थिति की घोषणा कर दी है। ये स्वास्थ्य का आपातकाल है। हम सफदरजंग में हैं और इस इलाके में जहां तक जो पर्यटक आते हों या कारोबार से जुड़े लोग आते हों, चाहे वो देश के दूसरे हिस्से से या विदेशों से आने वाले लोग, सबसे पहले आने के बाद उन्हें होटल की जरूरत पड़ती है। हम ऐसे ही एक होटल में हैं और ज्यादातर जो कमरे हैं वो पूरी तरह खाली हैं। ऑक्यूपेंसी की स्थिति ऐसी है कि अमूमन जिस समय में और जिन इलाकों में सारे कमरे भरे हुए होते हैं, इस समय लगभग स्थिति खाली है। साथ ये पूरा जो फ्लोर मैं आपको दिखाऊं, इस पूरे फ्लोर पर 4 कमरे हैं, सिर्फ एक कमरे में मेहमान हैं इनके पास। ये दूसरा कमरा है, यहाँ पर भी अमूमन वही स्थिति है, ये पूरी तरह खाली है, सन्नाटे की स्थिति है। सरकार ने एहतियात के तौर पर स्कूल बंद किए, मॉल बंद किए, सिनेमा हॉल बंद किए, लेकिन एपिडेमिक के फैलने का खतरा है और उस खतरे को लेकर लोग भी सतर्क हो गए हैं और खुद ही एहतियात के तौर पर बाहर नहीं निकल रहे। और जाहिर है उसका सीधा असर कारोबार पर, पर्यटन पर भी पड़ेगा। ये पूरा फ्लोर आप देखें कि लगभग जितने भी कमरे हैं सब खाली हैं। ये इससे अंदाजा होता है कि आखिर बाजार में इस पर, इस कोरोना वायरस का असर कारोबार पर किस तरह का पड़ रहा है। तो अब सीधे आपको उनके पास ले चलते हैं जो इस व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं कि आखिर उनकी रोजी रोटी पर कितना बड़ा संकट है। ये जो कोरोना का खौफ है, अमूमन होटल की ऑक्यूपेंसी कितनी होती थी इस समय? 90% चलिए, 40-45%। और ये कितने दिनों से दिख रहा है? ये पिछले एक हफ्ते से ज्यादा है, लेकिन खौफ है खाली। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को प्रिकॉशन लेनी चाहिए। ये हुआ फैला हुआ है कोरोना, आपको लग रहा है उसकी वजह से कारोबार का नुकसान? उसकी वजह से कारोबार बिल्कुल ठप होता जा रहा है। सब कुछ जैसे लग रहा है सब कुछ बंद हो जाएगा। इसीलिए शायद उसका असर बाजार में, शेयर मार्केट पर भी दिख रहा है। शायद इसीलिए सरकार एहतियात के सभी कदम उठा रही है, लेकिन सतर्कता जरूरी है। कोरोना का सीधा असर उद्योगों पर पड़ा है, लेकिन किसानों पर भी कोरोना का आर्थिक संकट पड़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। महाराष्ट्र का अल्फांसो आम और गल्फ के बाजारों में जाता रहा है, लेकिन कोरोना की दहशत आम के स्वाद पर भारी पड़ने वाली है। अभी ये जो कोरोना वायरस का जो असर आम के बिजनेस के ऊपर काफी पड़ने को अभी जस्ट शुरुआत हो गई है। अगर अपन कंपेयर टू लास्ट ईयर अगर देखेंगे तो ये सेकेंड वीक ऑफ मार्च में ऑल ओवर वर्ल्ड मैंगो की निर्यात चालू हो जाती थी, बट अनफॉर्चुनेटली दिस ईयर कोरोना वायरस की वजह से बाय एयर से जितनी भी निर्यात हो रही है वो सब पूरी की पूरी बंद हो चुकी है। कोरोना जब अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने को लेकर डरा रहा है, तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर हो गए। शुक्रवार को राहुल ने ट्वीट किया है, कोरोना बड़ी समस्या है, समस्या को टालना हल नहीं, अगर सरकार ने कड़े कदम नहीं उठाए तो अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी, सरकार सोई हुई है।
कमजोर अर्थव्यवस्था और कोरोना को रोकने की सरकार के एक्शन को लेकर राहुल ने गुरुवार को भी जोरदार हमला किया था। कुछ दिनों से मैं कह रहा था कि ये जो कोरोना वायरस का प्रॉब्लम है बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है और उस पर भी सरकार ने जिस प्रकार से एक्शन लेना था नहीं लिया। द इंडियन गवर्नमेंट इज अस्लीप, दे डू नॉट रियलाइज दैट कोरोना वायरस इज स्प्रेडिंग इन दिस कंट्री। हालांकि राहुल के इस आक्रमण को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने तुच्छ राजनीति कहा और दावा किया कि कोरोना से लड़ने के लिए सरकार ने कमर कसी है। रघु जी, उन्होंने राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा से कोरोना की तैयारियों की बातचीत का वीडियो भी साझा किया। आज तो होली जो है ये कोरोना वाली होली है ना, तो इसलिए सबकी होली ऑफिस में ही है। मैं ये मैंने सोचा था आपसे बात करूं, आपके यहाँ तो दो पेशेंट्स है ना जो इटली से आए थे। वो तो रिकवर कर रहे हैं सर, अभी ठीक है ना? बिल्कुल हाँ, वो ठीक है सर, पूरी पैनी निगाह रखी है हर चीज के ऊपर। सरकार कोरोना पर खुद को तैयार बताती है तो मुख्य आर्थिक सलाहकार के सुब्रमण्यम ने भी दावा किया कि अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भी हम अलर्ट हैं। इन्फ्लेशन डाउन, प्रोडक्शन एक्चुअली इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन गोइंग अप, कंजम्पशन यू नो रूरल साइड एंड ऑन द कंज्यूमर ड्यूरेबल्स गोइंग अप, यू नो दीज वेरिएबल्स क्लियरली पॉइंट टू यू नो सम स्ट्रेंथनिंग ऑफ द इकोनॉमी। आशंका है कि कोरोना का संकट भारत की अर्थव्यवस्था पर चोट पहुंचाएगा। हालांकि कोरोना का असर पूरी दुनिया खासकर चीन पर है, लेकिन कोरोना से भारत को आर्थिक चोट ही पड़ेगी, इस पर लेकर राय बटी हुई है। मुंबई से सौरभ अक्तानिया, दिल्ली से ऐश्वर्या के साथ आशुतोष आज तक।